हेलो एंड वेलकम टू सुमत रिजन। मैं हूँ शुभम और आज हम लोग जरूर बात करने वाले हैं DRDO साइंटिस्ट का जो वैकेंसी निकल चुका है RAC का, ठीक है। 167 पोस्ट है। एलिजिबिलिटी अप्लाई कैसे करना है आपको सभी बताया जाएगा, तो वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले बताना चाहूँगा, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इसका जो लास्ट डेट है 10 जुलाई है आपका एप्लीकेशन करने का, ठीक है। डेट जो है 14 तारीख से जो है इसका अप्लाई हो रहा है, ठीक है। और इसका जो वैकेंसी है ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजिए इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सबसे महत्वपूर्ण बात है आपका इंटरव्यू प्रोसेस से होगा, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है और एप्लीकेशन जो है आपको ऑनलाइन से फिलअप कर देना है, ठीक है। तो किसमें कितना जल्दी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 37, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 35, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 31, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 20 और मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड मेट्रिकुलेशन इंजीनियरिंग 10 में फिजिक्स में है 8। फिजिक्स आपका है, ठीक है। फिजिक्स मेरा भी सब्जेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। केमिस्ट्री 07, केमिकल इंजीनियरिंग 06, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग नहीं 04, मैथमेटिक्स 04, सिविल इंजीनियरिंग 03, फिजियोलॉजी 10, ठीक है। तो कोई भी प्रोनाउंस में गलती हुआ है तो माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। 167 हो गया टोटल वैकेंसी और क्वालिफिकेशन बता दिए गए हैं, ठीक है। BE या BTEC होना चाहिए आपका, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट ऑफ यूनिवर्सिटी से। एज लिमिट जो होना चाहिए 2.5 साल के अंदर अंदर आपको होना है, ठीक है। और DRDO रिक्रूटमेंट असाइनमेंट, DRDO रिक्रूटमेंट एंड असाइनमेंट सेंटर, ठीक है। इसका जो रिक्रूटमेंट एंड असाइनमेंट सेंटर जो फुल फॉर्म है RAS का, ठीक है। RAC का ऑफिशियल गोइंग द कैंडिडेट थ्रू द मार्क्स द डिजाइन द एग्जामिनेशन, ठीक है। DRDO द रिक्रूटमेंट असाइनमेंट सेंटर, इसमें आपका जो स्टाइपेंड सैलरी होगा 80,000 पर मंथ, बहुत ही ज़्यादा, लगभग आपका 80,000 होता है आपका इंसेंटिव मिला के। और भी जो और बहुत सारा फैसिलिटी दिया जाता है DRDO में, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी दिया जाता है आपका। ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा फ्री दिया जाता है, ठीक है। और कुछ सामान कीनते हैं उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है, ठीक है। अगर DRDO में आप काम करते हैं तो आपका एक अलग ही इमेज बना रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो है वन ऑफ द टॉप एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो डिफेंस सेक्टर में है। और DRDO अपने आप में ही कमाल करता है हर एक चीज़ में, ठीक है। तो इसको जो है आपको क्रैक करना है, ठीक है। और क्रैक करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जे जे एल और OBC EWS के लिए ₹100 एप्लीकेशन फ़ी है, SC ST के लिए है कोई भी फ़ी नहीं है, ठीक है। तो कैसे अप्लाई करना है आपको, वेबसाइट में जाना है, ठीक है। ऑन ऑफ द पेज दो विल फाइंड द एडवर्टाइजर नंबर, एडवर्टाइज में जाना है। उसके बाद आपको जो भी डिटेल्स आप पढ़ सकते हैं आपको इसे बता देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं पढ़िएगा। उसका जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिलअप कीजिएगा, उसको एप्लीकेशन फ़ी को पे कीजिएगा, ठीक है। और रिक चेक एक बार कर लीजिएगा जो इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक है या नहीं, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है। और DRDO का साइंटिस्ट का अगर फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो यहाँ से लिंक दे दीजिए आपको डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से जाके आपको यहाँ पर से आपका जो है आप जो है यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है दिखाते हैं। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन जो लिखा रहा है ना, यहाँ पर से आपको एक्सपर्ट रजिस्ट्रेशन जो लिखा रहा है यहाँ पर से जाके आपको यहाँ पर से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पासवर्ड देके यहाँ से लेके सबको आपको एक जो है रजिस्ट्रेशन आपका जो अकाउंट खोलना है, ठीक है। लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पर से आपको जो भी आपका जॉब होगा सब कुछ दिखा दिया जाएगा। तो आप वहाँ से जो है यहाँ से जाके वहाँ से फॉर्म फिलअप कर पाइएगा, ठीक है। अगर आप फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत होता है तो बता दीजिएगा। तो कैसे एप्लीकेशन करना है तो आप लोगों के लिए जो है एप्लीकेशन का जो लिंक होगा वो भी दे दीजिएगा, और कैसे एप्लीकेशन करना है आपको थोड़ा बहुत बता दिया। अगर स्टेप बाय वाइज आपको समझना है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ पाए होंगे। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कुछ भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो इसी के साथ जो है वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।